स्नो लेपर्ड एक्सपेडिशन से पहले मुझे एक इमेजिनरी कंसेप्ट था कि हम वहां जाएंगे, टेंट लगाएंगे, सामने स्नो लेपर्ड आएगा, तस्वीरें खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं था, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट था। जब हमारा की मॉनेस्ट्री का अटेम्प्ट फेल हो गया तब हमें हिकिम से कॉल आता है और हिकिम था 4800 मीटर पे। मेरा ऑक्सीजन लेवल तब 64% था, फिर भी हमने ये डिसाइड किया कि हम वहां जाएंगे। यहां से दूर है तो हम उसी की तरफ अभी निकल रहे हैं। जैसे हम वहाँ पे पहुंचे हमें ये खबर मिलती है कि स्नो लेपर्ड वहाँ से जो स्पॉट हो रहे हैं वो वहाँ से बहुत दूर है। हम वहाँ चलते जा रहे हैं, मैं फिजिकली इतना डाउन हो गया, फिर भी मेरी माइंड ये कह रही थी कि कम ऑन रोहन, ये तुम्हारा बकेट लिस्ट का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है तो तुम्हें वहां तक पहुंचना ही है। फिर मैं पूरी एनर्जी के साथ वहां पे पहुंचा, हमारे सामने 3 स्नो लेपर्ड थे, मैंने उनकी बढ़िया तस्वीरें ली और फिर हम वापस आ गए। तो उस समय मुझे ये लगा कि आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो पर अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने एम तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए माइंड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।